आया हूँ क्वेट के उस जगह पे, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में कहते हैं ना, साउथ दिल्ली में इस तरह। ये देख रहे हो जो जो आपने गाड़ियाँ नहीं देखी होगी ना, अभी मैं एक शॉप में हूँ। रिसेंटली मैं आपको ये एक से एक कार ऐसी दिखाऊंगा, मैं ये नॉर्मल है BMW बस फैमिली सामने आप देख सकते हो। ये अभी तो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ एक अपने भाई से, ठीक है, जो इस गैरेज में जॉब करते हैं, ठीक है, और जॉब प्रोफाइल पूछेंगे भाई की, और भाई के बारे में पूछते हैं कितने चल रहे। तो क्या हाल है भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। तो आप सुनाओ। बढ़िया। आप अपना नाम बताएं? सामी मजीद। तो कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं, ठीक है। तो कुवैत में कितने साल हो गए आपको? कुवैत में लगभग 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो कुवैत में 8 साल होने के बाद आपको कुवैत कैसा लगा? कुवैत माशाल्लाह बढ़िया है। मजा आ गया? मजा आ गया। तो जो ये कार है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कार ये GMC है, अभी पेंट मारी है। कितने सिलेंडर में? 12 सिलेंडर में। 12 सिलेंडर में। तो यहाँ पे आप किस वीजा पे आए हो? कंपनी वीजा पे हो या अपनी वीजा से? अपनी वीजा से हैं, शरीके की वीजा है। अपनी वीजा से? आजाद वीजा से आए हैं। तो खाना पीना वगैरह कैसा है? सब बढ़िया है। सब बढ़िया। तो रूम वूम सब अपना? सब रूम अपना है। तो कितनी सैलरी पड़ जाती है? लगभग पड़ जाती है खा पी के सब 60-70 हज़ार निकाल लेते हैं। 60-70 हज़ार निकाल लेते हैं। तो एक मैसेज जो अगर कोई भाईजान वीडियो देख रहा है, कोई भाई देख रहा है, अगर वो कुवैत आना चाहे तो उसके बारे में क्या बोलोगे? उसके बारे में मैं यही बोलूँगा, कुवैत गल्फ बहुत अच्छी जगह है। आप अगर काम वाम या जॉब वॉब की तलाश में है तो ज़रूर आइए, अगर आप अपना शौक पूरा करना है तो। और अगर गैरेज में उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है कारपेंट वगैरह के, तो वो कारपेंट के वगैरह आने के लिए क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से? अप्लाई ये है, अपनी वीजा से आइए, शून की वीजा से आइए, या आप किसी शरीके के थ्रू आ सकते हैं, या किसी गैराज के थ्रू को आ सकते हैं, ना आओ कोई टेंशन वाली। तो आपका कितना खर्च लग गया था जब आप यहाँ को आए थे? लगभग 3-3.5 लाख रुपए में, जब उस टाइम 8 साल पहले 3-3.5 लाख रुपए में। जी जी। अब तो थोड़ा उससे भी ज्यादा रेट, अब दिनार थोड़ा हाईफाई चल रहा है। तो इसी, तो एक बार जो आपने ये गाड़ी डेकोरेट ये बनाई है तो दिख रहा है कितनी अच्छी फिनिशिंग करी है, तो कितने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास इस चीज का? इसका तो वैसे तो सब एक्सपीरियंस है, मगर ये बस अभी तो इसको तो बस ऐसी अलमाशी पेंट हुआ हुआ है। अच्छा, इसके बाद एक फिनिशिंग और करोगे? इसके बाद वाटर पॉलिश लगेगा, मकीना पॉलिश। अच्छा, इसके बाद वाटर पॉलिश। तो आपने GMC भी किया है या कुछ फरारी जगुआर वगैरह? सब आती है गैराज में, सब मुशक्कल काम है। अच्छा, सब रंग की गाड़ियाँ आती है। अच्छा, कोई डॉज? सबसे महंगी कार कौन सी है, मतलब जो आपने यहाँ पे देखने के बाद लगा होगा, हाँ भाई ये कार जो मैंने कभी देखी नहीं थी, मतलब सोचता था नेट पे ये। सबसे ज्यादा तो मैंने ऑडी फरारी कभी नहीं देखी है। अच्छा, और यहाँ के सभी कुछ देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह ने दिखा दिया शौक। ये बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने आपने जो हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करा, हम आपके आभारी हैं। तो ओके, तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस बताया भाई ने, भाई जाने कि जो कोई भी कुवैत आना चाहता है किस तरह से विजिट करना चाहता है, ठीक है, और थोड़ा सा उन्होंने सैलरी का भी बता दिया है, ठीक है। और मेरे पीछे आप देख रहे हो एक GMC खड़ी है, बहुत तगड़ी GMC खड़ी है, ठीक है। तो बात यह है कि ठीक है, बात यह है कि जिसके पास एक्सपीरियंस और जो कुवैत आना चाहता है, तो भाई वो इन गाड़ियों के साथ अपनी दिलचस्पी, जो भी अपना ड्रीम है, ठीक है, उनमें बैठो, काम करो, सब कुछ, ठीक है, ये कुवैत है, ठीक है, मेरी जान, यहाँ सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो भाई ने जैसे बताया कि मुझे 8 साल हो गए हैं, ठीक है, और फरारी जगवार लेम्बो सब मिलती है भाई, सब में शौक पूरा कर लेते हैं अपने, ठीक है। तो एक छोटी सी जानकारी थी जो आप भाई ने बताया, ठीक है, सैलरी आपने बता दी है भाई ने, और अपनी जॉब डेस्टिनेशन बता दी है, ठीक है, वो कैसे कैसे आए, कितना खर्च लगा, भाई ने सब बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉक में, तब तक के लिए आप सब सही रहें, मस्त रहें, ठीक है।